डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। दिस इज योर इंग्लिश क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 11 एडवर्ब्स। लेट्स स्टार्ट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। फर्स्ट सेंटेंस इज द लिटिल गर्ल सैंग ब्यूटिफुली। Second sentence is the sun shines everywhere. Third sentence is the stars twinkle at night. In the first sentence, the word beautifully tells us how the little girl sang. First sentence mein word beautifully hame batata hai ki little girl कैसे गाई। इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ड एवरीवेयर टेल्स अस वेयर द सन शाइंस। सेकेंड सेंटेंस में वर्ड एवरीवेयर हमें बताता है कि सन कहाँ चमकता है। इन द थर्ड सेंटेंस द वर्ड नाइट टेल्स अस व्हेन द स्टार्स ट्विंकल। थर्ड सेंटेंस में वर्ड नाइट हमें बताता है कि स्टार्स कब ट्विंकल करते हैं। द वर्ड्स दैट टेल अस हाउ ए थिंग इज डन, वेयर इट इज डन एंड व्हेन इट इज डन आर कॉल्ड एडवर्ब्स। वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है और कब हुआ है एडवर्ब्स कहलाते हैं। टू रिमेंबर, वी फॉर्म एन एडवर्ब फ्रॉम एन एडजेक्टिव बाय एडिंग एल वाई टू द वर्ड। जब हम एक एडजेक्टिव से एक एडवर्ब को बनाते हैं तो उस वर्ड में एल वाई को ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल नाइस, यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, नाइस। और इसको जब एडवर्ब बनाया गया है तो इसमें एल वाई ऐड कर दिया गया है, मीन्स नाइसली। टू फॉर्म एन एडवर्ब फ्रॉम एन एडजेक्टिव एंडिंग विथ वाई वी ड्रॉप द वाई एंड एड आई एल वाई। लेकिन जब हम एक एडजेक्टिव से एक एडवर्ब को बनाते हैं और उस एडजेक्टिव के एंड में वाई होता है तो हम उस वाई को ड्रॉप कर देते हैं। और उसको ड्रॉप करने के बाद हम उसमें आई एल वाई ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल हैप्पी, यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, हैप्पी, और इसके लास्ट में क्या है, वाई। और इसका एडवर्ब बनाते समय वाई को ड्रॉप कर दिया गया है और उसकी जगह पर आई एल वाई को ऐड कर दिया गया है, मीन्स हैप्पीली। How adverbs? Read the following sentences. First sentence is the soldiers fought bravely. Second sentence is the old man walked slowly. The words bravely and slowly tell us how the actions took place. Such words are called how adverbs. वर्ड्स ब्रेवली एंड स्लोली हमें बताते हैं कि एक्शंस कैसे हुआ। इस तरह के वर्ड्स हाउ एडवर्ब्स कहलाते हैं। एक्सरसाइज ए, कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग सुटेबल हाउ एडवर्ब्स फ्रॉम द वंस गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए
सुटेबल हाउ एडवर्ब्स का यूज करते हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर बॉक्स में हाउ एडवर्ब्स दिए गए हैं, आपको उनकी हेल्प से नीचे दिए गए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंसेस, द स्टूडेंट स्पोक डैश टू द टीचर। अब स्टूडेंट टीचर से कैसे बात करते हैं? पोलाइटली। यहाँ पर पोलाइटली दिया गया है, आप पोलाइटली को इसमें फिल करेंगे। द स्टूडेंट स्पोक पोलाइटली टू द टीचर। इसी तरह और सेंटेंसेस को आप कंप्लीट करेंगे। वेयर एडवर्ब्स, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंसेस, रीना इज प्लेइंग देयर। सेकेंड सेंटेंसेस, द बर्ड्स आर फ्लाइंग अप। थर्ड सेंटेंसेस, कविता इज स्टैंडिंग डाउन स्टेयर्स। द वर्ड्स देयर अप एंड डाउन स्टेयर्स टेल अस मोर अबाउट द वर्ब्स प्लेइंग फ्लाइंग एंड स्टैंडिंग। वर्ड्स देयर अप एंड डाउन स्टेयर्स हमें वर्ब्स प्लेइंग फ्लाइंग एंड स्टैंडिंग के बारे में अधिक से अधिक बताते हैं। दीज आर एडवर्ब्स दैट टेल अस वेयर द एक्शंस हैव टेकन प्लेस। ए एडवर्ब्स हमें बताते हैं कि एक्शंस कहाँ हुए हैं। दीज आर कॉल्ड वेयर एडवर्ब्स। ए वेयर एडवर्ब्स कहलाते हैं। एक्सरसाइज बी, अंडरलाइन द वेयर एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। नीचे दिए गए सेंटेंसेज में वेयर एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंसेज, रवि इज प्लेइंग आउटसाइड। इसमें वेयर एडवर्ब क्या है? आउटसाइड। इसको आप अंडरलाइन करेंगे। इसी तरह और सेंटेंसेस को आप कंप्लीट करेंगे। व्हेन एडवर्ब्स, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंसेस, वरुण इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। सेकंड सेंटेंसेस, द बर्ड्स आर फ्लाइंग नाउ। थर्ड सेंटेंस इज, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। द वर्ड्स टुडे, नाउ एंड अर्ली टेल अस मोर अबाउट द वर्ब्स प्रेजेंट फ्लाइंग एंड गेट्स अप। वर्ड्स टुडे, नाउ एंड अर्ली हमें वर्ब्स प्रेजेंट फ्लाइंग एंड गेट्स अप के बारे में अधिक से अधिक बताते हैं। दीज आर एडवर्ब दैट टेल अस व्हेन द एक्शंस हैव टेकन प्लेस। ए एडवर्ब हमें बताते हैं कि एक्शंस कब हुए हैं। दीज आर कॉल्ड व्हेन एडवर्ब। ए व्हेन एडवर्ब्स कहलाते हैं। एक्सरसाइज सी, अंडरलाइन द व्हेन एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। नीचे दिए गए सेंटेंसेज में व्हेन एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंसेज, ही मेट मी यस्टरडे। वह मुझसे कल मिला। यहाँ पर व्हेन एडवर्ब क्या है? स्टडे। आप इसको अंडरलाइन करेंगे, ओके? इसी तरह आप और सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज डी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट एडवर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स।
ब्रैकेट से करेक्ट एडवर्ब को आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस इज आवर टीम ओन द मैच डैश। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया गया है, काइंडली स्लैश ईजिली, तो इसमें से केवल आपको एक ही यहाँ पर फिल करना है। तो हमारी टीम मैच जीत गई, किस तरह, ईजिली। आवर टीम ओन द मैच ईजिली, इसी तरह आप करेक्ट एडवर्ब्स को यहाँ फिल करेंगे। स्टूडेंट्स, वी विल रिवाइज सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू चैप्टर। वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट वर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। जो वर्ड्स हमें वर्ब्स के बारे में अधिक से अधिक बताते हैं वे एडवर्ब्स कहलाते हैं। सम एडवर्ब्स टेल अस हाउ द एक्शंस टेक प्लेस। कुछ एडवर्ब्स हमें बताते हैं कि एक्शन कैसे होता है। दीज आर कॉल्ड हाउ एडवर्ब्स, ए हाउ एडवर्ब्स कहलाते हैं। सम एडवर्ब्स टेल अस वेयर द एक्शंस टेक प्लेस। कुछ एडवर्ब्स हमें बताते हैं कि एक्शंस कहाँ होते हैं। दीज आर कॉल्ड वेयर एडवर्ब्स, ए वेयर एडवर्ब्स कहलाते हैं। सम एडवर्ब्स टेल अस व्हेन द एक्शंस टेक प्लेस। कुछ एडवर्ब्स हमें बताते हैं कि एक्शंस कब होते हैं। दीज आर कॉल्ड व्हेन एडवर्ब्स, ए व्हेन एडवर्ब्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट देन वी विल डिस्कस इन डाउट सॉल्विंग सेशन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।